वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग के एनर्जी इंटरव्यू सीरीज में, जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के करंट एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से। आज के एपिसोड में हम एक ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट से बात करेंगे जिनका नाम माहम मसूद सादिक है, जो अल्टरनेट एनर्जी में एक्सपर्टीज रखती है। माहम का क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, जहां उन्होंने बहुत कम अरसे में दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज के साथ काम किया है। माहम ने कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है और उससे पहले लम्ब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। आज हम उनसे जानेंगे कि दुनिया भर में पावर मार्केट्स किस तरह ऑपरेट करती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के तेजी से बढ़ने की वजह से पुराने गैस और कोल के प्लांट का फ्यूचर क्या है, और पाकिस्तान अपने पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए बाकी दुनिया से क्या सीख सकता है। मेरा नाम महम मसूद सादिक है और मैं एक दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी की क्लीन एनर्जी लीड हूँ। इस रोल में मैं ग्लोबल एसेट्स इस कंपनी के मैनेज करती हूँ क्लीन एनर्जी के लिए, जिसमें थीम पार्क्स, डेटा सेंटर्स, क्रूज शिप्स, प्रोडक्शन हाउसेस और ऑफिस स्पेसेस शामिल हैं। इस रोल से पहले मैं US की सबसे बड़ी पब्लिक यूटिलिटी न्यूयॉर्क पावर अथॉरिटी के लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स के एसेट्स मैनेज करती थी और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करती थी। एक डीरेगुलेटेड पावर मार्केट में एक कंपनी या एक यूटिलिटी की मोनोपोली नहीं होती है। आप पावर मार्केट को फ्री मार्केट बना देते हैं, जिसमें मल्टीपल जनरेटर्स, मल्टीपल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बिड कर सकती हैं और कस्टमर्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी चूज कर सकते हैं। इस तरह के सेटअप में गवर्नमेंट की मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होती है। एक डीरेगुलेटेड पावर मार्केट के तीन की प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले जनरेटर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं। सेकंड ISO, यानी कि इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर, जो कि सप्लाई और डिमांड को मैच करते हैं और उन जनरेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिड करते हैं उनकी अप्रूवल और मिनिमम प्राइस में होलसेल मार्केट की क्लियरेंस को मैनेज करते हैं। और तीसरा रोल होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी का। ये वो इदारा होता है जो कि बिजली एक दफ़ा जब क्लियर कर जाती है जनरेटर से, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर उसको अप्रूव कर देता है एट अ सर्टेन प्राइस, वो उसको जनरेटर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इस तरह के सेटअप में कस्टमर के पास ऑप्शन होती है कि वो किससे बिजली लेना चाहते हैं, और इस तरह के सेटअप में ये भी एक चीज डेवलप होती है जिसमें मल्टीपल जनरेटर्स लोएस्ट बिड प्राइस कर अपने आप अपनी बिजली को क्लियर करवाते हैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ये एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होता है जिसमें एक यूटिलिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली नहीं होती है। इसमें सबको इक्वल और फेयर चांस मिलता है अपने जनरेटर की बिजली को बिड करने का। जैसे जैसे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की पेनिट्रेशन इन द मार्केट बढ़ती जा रही है, ये जो पुराने कोल, स्पेसिफिकली कोल पावर प्लांट्स हैं, वो डॉलर पर मेगावाट आवर पर इन नए प्लांट से कम्पीट नहीं कर पा रहे। इसकी तीन मेजर वजूहात हैं। सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट। कोल, नेचुरल गैस और ऑयल पावर प्लांट्स की हाई फ्यूल कॉस्ट है, जो कि वॉलेटाइल है, वेरी करती है, जबकि नए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, स्पेसिफिकली विंड और सोलर की कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं है और इनकी कैपिटल कॉस्ट्स कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं वर्सेस पुराने प्लांट्स। सेकेंडली, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड कॉस्ट्स पुराने पावर प्लांट्स की बहुत ज्यादा हैं, सच स्पेशली कोल, जिसकी वजह से इनकी जो बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत है डॉलर पर मेगावाट आवर, वो काफी हाई है कॉस्ट वाइज। और लास्टली, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड रिलेटेड रेगुलेशन जो हैं, जो कि बहुत सारे कोल पावर प्लांट्स पर अप्लाई होती हैं, वो अब मोस्ट ममालिक में एप्लीकेबल हैं। इन उन रेगुलेशंस को मीट करने के लिए, उन एमिशंस को कैप्चर करने के लिए कोल पावर प्लांट्स को एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत हाई हो गई है और वो कम्पीट नहीं कर पा रहे इन नए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से। अब इससे ये हो रहा है क्योंकि वो इन नए सस्ते बिजली प्रोवाइड करने वाले रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से कम्पीट नहीं कर पा रहे, वो अपनी
कॉन्ट्रैक्ट टर्म से पहले रिटायर हो रहे हैं क्योंकि वो इस कंपेटिटिव मार्केट में अपना बिजनेस नहीं रन कर सकते अपनी इन तीन वजूहात की वजह से जिनसे उनकी रनिंग कॉस्ट इनके मुकाबले में बहुत हाई हैं और वो कंपेटिटिव प्राइस नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगले 10 सालों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बढ़ने की दो की वजूहात हैं। सबसे पहले एआई रिलेटेड जो डेटा सेंटर एक्सपेंशन है उससे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एआई की डिमांड की वजह से जो डेटा सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूएस में है वो आज के मुकाबले में कम से कम 2 से 3 गुना हो जाएगी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसको मेजॉरिटी टेक कंपनीज क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से पावर करना चाहती हैं। तो ये एक मेजर एक्सपेंशन है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के अंदर। दूसरी है 3 की सेक्टर्स की इलेक्ट्रिफिकेशन होना। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ईवी अडॉप्शन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की एक्सपेंशन कार्स, बसेस और ट्रक्स में हो रही है, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। दूसरी इलेक्ट्रिफिकेशन की इंक्रीज हो रहा है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में। मेजॉरिटी बिल्डिंग्स जो कि नई बन रही हैं या बहुत सारी स्टेट्स में, एटलीस्ट इन द यूएस, वहाँ पर नेचुरल गैस के यूज़ को नहीं किया जा रहा हीट प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा रहा है हीटिंग, कूलिंग और तमाम ऑपरेशंस ऑफ द बिल्डिंग के लिए, जिससे बिल्डिंग सेक्टर की इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बिल्डिंग सेक्टर में सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। तीसरा है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन का वैसे मुराद ये है कि प्रोसेसेस जो कि पहले बिजली नहीं इस्तेमाल करते थे एक सर्टन एक्सटेंट तक, सच एज स्टील मेकिंग या केमिकल प्रोडक्शन, वो अब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज के इंक्रीज की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ रही है। इन दो की फैक्टर्स की वजह से, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड AI driven data center demand, ये दो की पॉकेट्स हैं जो कि बिजली की कंजम्पशन को पूरी दुनिया में इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्टेड हैं। कार्बन क्रेडिट्स एक ट्रेडेबल इमिशंस कमोडिटी हैं जो कि मेट्रिक टन CO2 इक्विवेलेंट में ट्रेड होती हैं और बहुत सारी कॉरपोरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड इस्तेमाल करती हैं अपनी सालाना इमिशंस को कम करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी एक कॉरपोरेशन है जिसके ग्लोबल एनुअल इमिशंस 1 मिलियन मेट्रिक टन हैं, तो वो उतने ही अमाउंट 1 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हैं कहीं से भी दुनिया में अपनी इमिशंस को ऑफसेट करने के लिए। सबसे पहली तो रेगुलेटरी है। EU में बहुत सारी ममालिक हैं या इवन ईस्ट एशिया में, जहाँ पर गवर्नमेंट्स मैंडेट करती हैं कि आप हर साल एक सर्टन परसेंटेज अपने पिछले साल या किसी भी बेसलाइन ईयर के मुकाबले में अपनी एमिशंस कम करें। उन एमिशंस को कम करने के लिए बहुत सारी कॉरपोरेशंस ऑन साइट एफर्ट्स भी करती हैं, लेकिन जहाँ पर मुमकिन नहीं है अपने ऑपरेशंस में कम करना उन एमिशंस को, वहाँ पर वो इन कार्बन क्रेडिट्स को खरीदती हैं। दूसरी वजह जो कॉरपोरेशंस के इनमें इन्वेस्ट करने की है वो है वॉलंटरी एमिशंस रिडक्शंस जो हैं उसमें, मिसाल के तौर पर जैसे कि डिज्नी का 2030 नेट जीरो एमिशंस का गोल है, इसी तरह बहुत सारी टेक कंपनीज के 2025-2030 वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन गोल्स हैं। इनको अचीव करने के लिए कंपनीज अपने सालाना एमिशंस को कम करने के लिए, रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, बहुत सारे कंसोर्टियम्स का पार्ट होने के लिए, वो ऑन साइट एफर्ट्स अपने ऑपरेशंस में डायरेक्टली भी कम करने की एमिशंस कोशिश करती हैं, और जहां पर ये नहीं हो सकता वहां पर वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदने के लिए पूरी दुनिया से कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट्स ढूंढती हैं, उनको खरीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह वो एक मार्केट को इनेबल करते हैं। जो US की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है वो इन इटसेल्फ होमोजेनस नहीं है। हर स्टेट का अपना तरीका है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने का, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का अपने कंज्यूमर्स तक। कुछ स्टेट्स जैसे कि टेक्सस और कैलिफोर्निया हैं, वहाँ पर, या इवन न्यूयॉर्क और या न्यू इंग्लैंड वाली साइड है, वहाँ पर आपको
रिटेल मार्केट नजर आती है और वहां पर आपको एक डीरेगुलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर नजर आता है, जबकि स्टेट सच एज फ्लोरिडा हैं वहां पर आपको यूटिलिटी की मोनोपोलीज हैं और रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। हर स्टेट के लिए जो बेस्ट उसके अपने कंज्यूमर्स के लिए था और स्टेट के इंटरेस्ट में था, उन्होंने उस मार्केट स्ट्रक्चर को अपने लिए अपनाया है। अगर हमने कुछ सीखना है डेवलप्ड वर्ल्ड से तो वो ये है कि हर सोल्यूशन फिट्स ऑल नहीं होती हर जगह के लिए। पाकिस्तान के लिए भी आज का जो हमारा मसला है, सबसे बड़ा हमारी प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह एक तो वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट है, दूसरी हमारी रुपी का जो वॉलिटिलिटी है अगेंस्ट द डॉलर, और तीसरे हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब हमने अगर इन सब चीज़ों को कॉम्बैट करना है, इन सब का जो तोड़ है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एडवेंट है मुल्क में, उससे एक सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपकी जो फ्यूल वॉलिटिलिटी है और रुपी के जो चेंजेस हैं अगेंस्ट डॉलर की रेशियो के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक दफा आपकी कैपिटल कॉस्ट हो गई तो आपका कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं है और वो एक वेरिएबल चला जाएगा। दूसरा ये है कि आप एक नए जनरेटर्स को रन करने का मौका देंगे एक फ्री मार्केट के अंदर। इसलिए इन सब चीज़ों को इनेबल करने के लिए और पुराने प्लांट्स को डीकमीशन करने के लिए या उनकी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनके रिटायरमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मार्केट डीरेगुलेटेड हो, डीरेगुलेट की जाए, इंडिपेंडेंट सर्विस ऑपरेटर्स इस्टेब्लिश करके उनको उनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बिठाई जाए जो कि इंश्योर करे कि जो भी पूरा सिस्टम है डीरेगुलेटेड मार्केट का वो कंज्यूमर्स के लिए काम कर रहा है, जनरेटर्स के लिए नहीं या ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए नहीं। ये तमाम चीज़ें करना है, गवर्निंग बॉडी ऊपर बिठाना, प्रॉपर रिफॉर्म लाना जो कि इंश्योर करे कि कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में हर 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 टैरिफ का जो सेक्शन है वो हो, और जनरेटर्स को एक कंपेटिटिव एज देना ताकि वो और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें और एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सेटअप कर सकें अराउंड द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और कंज्यूमर तक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। पर एक एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा साइट किया जाता है जो कि थोड़ा सा डेवलपिंग वर्ल्ड के करीब है, वो चिले का एग्जांपल है। उन्होंने 80s के अंदर अपनी मार्केट डीरेगुलेट की, प्रॉपर गवर्निंग कमीशन बिठाया ऊपर और प्रॉपर सेटअप क्रिएट किया जिससे उन्होंने एक डीरेगुलेटेड मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी को अपने ग्रिड मिक्स में पेनिट्रेट करने दिया। इससे ये हुआ कि बहुत सारे पुराने पावर प्लांट्स उनके अपने वक्त से पहले डीकमीशन होना शुरू हो गए, रिटायर होना शुरू हो गए और रिन्यूएबल एनर्जी उनकी जो के पूरे इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है उसको पावर करना शुरू हो गई। किसी भी मुल्क की जो तरक्की का की बैकबोन होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है, क्योंकि उसी से इकोनॉमी चलती है, उसी से मुआशरती और हर चीज़ बेहतर होती है और उसी से हमारे मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। इसलिए हमारे मुल्क को अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को डीरेगुलेट करना, रिन्यूएबल एनर्जी को पेनिट्रेट करने देना और एक प्रॉपर गवर्निंग मैकेनिज्म बनाना जिससे कस्टमर के बिल्स हर साल 10-20% ना इंक्रीज हों और सबसे बेस्ट इंटरेस्ट उसका हो, वो सब चीज़ें करना पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए मैकेनिज़म्स डेवलप करना इंतहाई ज़रूरी है कि हम ऐसा रिफॉर्म लाएं इन द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स जो कि ये तमाम फ्री मार्केट इनेबल करें।